सभी तीन बार ओम का उच्चारण करेंगे। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलसारभक्षितं उमासुतं शोकविनाशकारणं स्तुते नारायणी नमोस्तुते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्रीगुरुवे नमः तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरि ओम नमः शिवाय। सबसे पहले आपका योगा के इस शिविर में स्वागत है और आज पूरी दुनिया इस अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस को बहुत ही धूमधाम से मना रही है और बहुत गर्व की बात है कि हमारे देश की ये संस्कृति रही है कि हर व्यक्ति योगा किया करता था और मेरा आज भी मानना है कि वो जीन्स हिंदुस्तानी के हर शरीर के अंदर है, लेकिन हम लोग उसको थोड़ा सा भूल चुके हैं। तो आज हम जो मानव उत्थान सेवा समिति जो कि हमेशा तत्पर रहती है मानव के सर्वांगीण विकास के लिए, तो उस उपलक्ष में आज हम यहाँ पे फिर से उन भूली हुई चीजों को जो हम भूल चुके हैं याद करेंगे। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आज जो हम इस शिविर में सीखेंगे, अगर आपने उसको अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया और ज्यादा से ज्यादा 15 से 20 मिनट भी अगर आपने योगा करना शुरू कर दिया तो आपकी लाइफ से जो बीमारियां हैं वो दूर हो जाएंगे। जिंदगी श्वासों में है तो वो तो आपकी श्वासें जितनी है वो चलेंगी, लेकिन आपने बीमार होके इस दुनिया से जाना है, ये स्वस्थ रहते हुए जाना है, ये आपके हाथ में है। तो ज्यादा वक्त न लेते हुए हम आज के इस प्रोग्राम को, जो कि योग जैसे कि आप जानते हैं यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि इनका योग है, अष्टांग योग इसको बोलते हैं, तो उसका जो एक महत्वपूर्ण हिस्सा जो कि आसन प्राणायाम और मुद्राएं हैं, जिसके ऊपर आज हम पूरा का पूरा जो वर्कशॉप जो ये चल रही है उसके ऊपर है, तो उसको करने से आप अपने शरीर को और मन को बिल्कुल स्वस्थ रख सकते हैं। तो सबसे पहले आप अपने बैठने के तरीके को सीखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम बैठे कैसे हैं। तो बैठने के जो सबसे बेस्ट तरीका है उसको बोलते हैं पद्मासन। तो जो पद्मासन में बैठ सकते हैं उसका तरीका देख लीजिए, राइट फुट पहले आएगा लेफ्ट थाई के ऊपर और फिर लेफ्ट फुट आएगा राइट थाई के ऊपर, ये पद्मासन है। जो लोग इसमें बैठ सकते हैं बहुत अच्छा है, नहीं बैठ सकते तो दूसरा जो पॉसिबल पोस्चर है वो है सिद्धासन। उसमें आपका सबसे पहले लेफ्ट फुट आपका यूं आएगा और राइट टखना ये आपके लेफ्ट टखने के ऊपर रहेगा, ये सिद्धासन है और बहुत आसान है। बहुत सारे लोग कहते हैं जी सुखासन में बैठ जाइए, पर ऐसा कोई भी आसन योगा की किसी किताब में नहीं है, ये आजकल के हमारे योगियों ने बना दिया है। तो फिर भी अगर आप नहीं बैठ सकते तो आप नॉर्मली बैठ जाइए, कोशिश करें इन दो आसनों में बैठने की।
अब हम सबसे पहले, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर प्राणों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, आपका शरीर कितना भी स्वस्थ हो, आपकी 6 फुट की हाइट हो, आपके बड़े अच्छे अच्छे मसल्स हो, लेकिन अगर आपके शरीर में श्वास नहीं है तो आप बिल्कुल इस दुनिया में जीने के लिए काबिल नहीं है, क्योंकि मर जाता है इंसान जब श्वास चली जाती है। तो सबसे पहले उन प्राणों को, जो हमारे अंदर प्राण है, ये कोई श्वास नहीं है जो अंदर बाहर जा रही है, हमारे 5 प्राण होते हैं, प्राण अपान समान व्यान उड़ान, तो इनको मजबूत करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट, आप सभी लोग कपालभाति भस्त्रिका ये सब जानते होंगे, तो हम जो क्लासिकल भस्त्रिका है जो हमारे ऋषि मुनि किया करते थे उसको मैं आज आपको सिखाऊंगा, और ये आपके शरीर की 80 मेजर बीमारियों को दूर करती है, और जो शरीर में हल्का सा आपका आलस होगा वो भी अभी चला जाएगा। तो इसका जो तरीका है, दोनों हाथ पहले ऊपर जाएंगे ऐसे, और जैसे ही आप श्वास छोड़ेंगे तो ये हाथ नीचे लाने हैं, मुट्ठी बंद कर लेनी है, और नाक से श्वास छोड़नी है, मुंह से नहीं छोड़नी। ये आपकी आवाज आनी चाहिए, जिसको भी लंग्स की समस्या है ये पूरी दूर हो जाएगी, अस्थमा हो रखा हो बिल्कुल सही हो जाएगा कुछ ही दिनों में। तो सभी स्टार्ट करेंगे इसका, सबसे पहले हम सिर्फ 30 टाइम्स करेंगे, दोनों हाथ ऊपर एंड बिगिन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. इसका एक राउंड और करेंगे। आप ध्यान रहे कि चेहरे को शांत रखें, इसको ऐसा ना बनाएं डरावना, मुस्कुराते हुए पावरफुल तरीके से यूज करेंगे ब्रीदिंग को। एक सेट इसका और करेंगे हम 40 का, दोनों हाथ ऊपर एंड बिगिन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30, 31, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40. कुछ गर्मी का एहसास हुआ आपको, ये आपके शरीर में इंटरनल हीट क्रिएट करती है जिससे आपकी बीमारियां बाहर आती हैं। हम जो नेक्स्ट थोड़ा सा सूक्ष्म व्यायाम करेंगे ताकि हमारे शरीर के अंदर थोड़ी सी और एनर्जी आए और आपका शरीर इस काबिल बन जाए कि आप आगे की जो योगा के अभ्यास है उसको कर पाए। और जो भी मैं चीज कराऊंगा ये सभी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि किसी को कोई बीमारी है, अगर ऐसा पर्टिकुलर होगा मैं आपको बता दूंगा, तो आप सभी इन चीजों को कर सकते हैं। सबसे पहले हम एक हाथ को आगे लाएंगे, लेफ्ट हैंड को राइट हैंड से इसको खींचेंगे पीछे को, कोहनी आपने बिल्कुल सीधी रखनी है, खींचिए इसको, फिर नीचे को खींचिए। अक्सर जब हम गिरते हैं कलाई हमारी टूट जाती है, क्योंकि कलाई के लिए कोई एक्सरसाइज ही नहीं करते। एक बार फिर से बहुत आराम से, ध्यान रहे योगा बिल्कुल सहज तरीके से करना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी। एक बार फिर से 3 बार, वेरी गुड। अब दूसरे हाथ को ऊपर को खींचे नीचे, ये बहुत आसान सी दिखने वाली चीजें हैं, लेकिन सूक्ष्म व्यायाम आपके शरीर को बिल्कुल स्वस्थ बनाने में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, वेरी गुड। अब दोनों मुट्ठियों को बंद करके अंदर की तरफ को चलाएंगे बिल्कुल धीरे, आपके हाथ कोशिश करें कि अंगूठा जो है आपकी उंगलियों के बाहर ना निकले। अब बाहर की तरफ चलाएंगे, वेरी गुड।
अब हम जो अगला अभ्यास करेंगे वो है स्कंध चालन। हमारे बहुत सारे माताओं बहनों भाइयों को हार्ट की समस्या हो जाती है और डॉक्टर हमारे बहुत जल्दी स्टंट डाल देते हैं, ऑपरेट करने के लिए बोल देते हैं। तो ये अगर आप रोज 1 से 2 मिनट अभ्यास करेंगे तो कभी भी आपको हार्ट की समस्या नहीं आएगी। दोनों हाथों को आपने घुटनों पर रखना है, पीठ सीधी रखनी है और दोनों कंधों को पीछे की तरफ चलाना है, पीछे, जैसे साइकिल का पैडल चलता है, इसको पीछे चलाएंगे। चेहरा एकदम शांत रखना है, मुस्कुराते हुए करें। ध्यान रहे कि हम शरीर के साथ जबरदस्ती ना करें, बिल्कुल धीरे और मुस्कुराते हुए, चेहरा एकदम शांत। बहुत आसान से दिखने वाली ये प्रक्रिया आपको हार्ट की सभी बीमारियों से दूर रखेगी। किसी को हार्ट अटैक आया हुआ है पहले, उसको कभी नहीं आएगा दोबारा। लाखों लोग इसका फायदा उठा चुके हैं, आप भी इसको करें। अब आगे की तरफ को चलाएंगे, बिल्कुल धीरे, पीठ को सीधा रखें, चेहरा एकदम शांत। आजकल के आधुनिक योगियों ने इसको ऐसे कर दिया है, आपने देखा होगा लोग ऐसे करते हैं, लेकिन इससे आपको जो फायदा होगा 10 दिन में वो उससे 1 ही दिन में हो जाएगा आपको। वेरी गुड। अब हम अगला करेंगे अभ्यास ग्रीवा चक्र। ग्रीवा मतलब हमारी गर्दन, नेक, और इसको जो क्लासिकल तरीके से किया जाता है, गर्दन को बिल्कुल नीचे लाएंगे, श्वास भरेंगे अंदर और बिल्कुल धीरे से राइट साइड से, राइट कान के पास से होते हुए बिल्कुल पीछे जाते हुए जैसे ही राउंड खत्म होगा आपने श्वास छोड़ देनी है, श्वास भरनी है दोबारा और दूसरी तरफ से बिल्कुल स्लो। यह आपकी नेक की समस्याओं को दूर करेगा, थायराइड को स्टिमुलेट करेगा, तो थायराइड ग्लैंड में कोई समस्या हो वो भी इससे ठीक होती है। एक बार फिर से 3-3 बार दोनों तरफ से राउंड लगाने हैं श्वास को रोकते हुए, और जैसे ही राउंड पूरा होगा श्वास छोड़ देनी है। कोशिश करें सभी लोग इसको करें, और ये करने से आपको कभी सर्वाइकल नहीं होगा। किसी को सर्वाइकल है तो वो बहुत जबरदस्ती ना करें, लेकिन इससे सर्वाइकल ठीक होगा आपका। लास्ट राउंड, वेरी गुड। अब आप क्या करेंगे, दोनों टांगों को सामने खोल दीजिए, दोनों टांगों को सामने करके, और आप इसको राउंड चलाएंगे क्लॉकवाइज, सिर्फ अपने पैरों को। ये भी सूक्ष्म व्यायाम का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। अक्सर हमारा पैर जरा सा ऊपर नीचे होता है और मुड़ जाता है, और वो मोच कई कई दिनों तक परेशान करती है, क्योंकि हम कभी भी अपनी एंकल्स को मूवमेंट नहीं देते। अपोजिट साइड चलाएंगे बहुत सहज तरीके से, कोशिश करें कि जबरदस्ती नहीं करनी, हमने आराम से एकदम। वेरी गुड। वापिस बैठ जाएंगे अपनी जगह के ऊपर। अब हम अगला अभ्यास करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम का मतलब है कि एक तरफ से श्वास लेना रोकना और दूसरी तरफ से छोड़ना। कितनी देर रोकनी है हमें, इसका जो रेशो है वो 1:4:2 का है। मतलब अगर आपने 1 सेकंड में श्वास ली तो 4 सेकंड रोकने की कोशिश करें और 2 सेकंड में छोड़ना है। ये ज्ञान मुद्रा है, इसको आपने अपने राइट लेफ्ट हैंड को, राइट हैंड को विष्णु मुद्रा, शुरू की 2 उंगलियां मोड़ लें, ये विष्णु मुद्रा बोलते हैं इसको।
अपनी राइट नोस्ट्रिल को बंद करेंगे अपने अंगूठे से, और ये लेफ्ट से स्टार्ट होता है, लेफ्ट पे ही खत्म होता है। लेफ्ट साइड से श्वास अंदर भरेंगे 1 2 3 4 और बंद कर लेंगे नाक को, कोशिश करेंगे रोकने की। राइट साइड से छोड़ देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। अब राइट साइड से अंदर भरेंगे श्वास 1 2 3 4, होल्ड करेंगे सहज तरीके से मन ही मन। अगर आपको ज्ञान है तो सुमिरन करने की कोशिश करें, नहीं तो ओम का उच्चारण करें मन ही मन। लेफ्ट साइड से छोड़ देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, एक राउंड हो गया। अब दोबारा लेफ्ट से अंदर लेंगे 1 2 3 4, होल्ड करेंगे श्वास को, चेहरा एकदम शांत, यूनिवर्सल मंत्र ओम का उच्चारण करते रहिए मन ही मन, तो आपका ध्यान इसमें लगेगा। राइट साइड से छोड़ेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट साइड से श्वास अंदर भरेंगे 1 2 3 4, होल्ड करेंगे, चेहरा एकदम शांत, कोशिश करें कि कोई प्रेशर ना डालें फेफड़ों के ऊपर, नहीं रोका जाए तो आप पहले भी छोड़ सकते हो। लेफ्ट साइड से श्वास बाहर कर देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, लेफ्ट साइड से श्वास अंदर खींचेंगे 1 2 3 4, होल्ड करेंगे, राइट साइड से छोड़ेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, श्वास अंदर खींचेंगे राइट साइड से 1 2 3 4, लेफ्ट साइड से छोड़ेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, लास्ट राउंड अंदर खींचेंगे लेफ्ट साइड से 1 2 3 4, होल्ड करेंगे, राइट से छोड़ेंगे बाहर 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट साइड से श्वास अंदर खींचेंगे दोबारा 1 2 3 4, होल्ड करेंगे, लेफ्ट साइड से छोड़ेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये अनुलोम विलोम और इसको नाड़ी शोधन भी बोलते हैं हम, तो आप इसका अभ्यास करें। ये आपकी जो हमारी बॉडी में 72,000 नाड़ियां होती हैं, तो उसमें ईड़ा पिंगला सुषुम्ना तीन मेन नाड़ियां होती है। तो जो आपकी राइट नोस्ट्रल है, ये पिंगला नाड़ी यहाँ पे खत्म होती है और लेफ्ट नोस्ट्रल पे ईड़ा। हर 47 मिनट में आपकी श्वास चेंज होती रहती है, तो इसको बैलेंस करने के लिए ये प्राणायाम किया जाता है। अगर आपका ये बैलेंस नहीं है, अगर आपकी सिर्फ राइट नोस्ट्रल चल रही है ज्यादा, तो आपको बुखार होने के चांस हो जाते हैं। आप जब भी देखना बुखार होगा, आपकी राइट नोस्ट्रल ज्यादा चल रही होगी। तो राइट नोस्ट्रल आपकी जो गर्म नाड़ी है, सूर्य नाड़ी बोलते हैं इसको, और जो लेफ्ट है वो चंद्र नाड़ी बोलते हैं इसको। बहुत बढ़िया तरीके से आपने इसको किया। अब हम अगला एक अभ्यास करेंगे जो कि क्लिंजिंग एक्सरसाइज है, कपाल भाति। बहुत ही अच्छे तरीके से करें, आपके एक्स्ट्रा वेट को ये कम करता है और आपके अंदर श्वासों के लिए आपके लिए बहुत अच्छा है। तो आप क्या करेंगे इसमें, श्वास सिर्फ आपने पेट से छोड़ना है, आपका पेट अंदर जाएगा और झटके से श्वास छोड़ दिया। कितनी स्पीड में छोड़े, 1 सेकंड में एक बार। तो जैसे ही मैं 1 बोलूंगा आपने हर बार श्वास छोड़ दिया। सो बिगिन 1 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
फिर से श्वास अंदर खींचेंगे और होल्ड करेंगे इसको थोड़ी देर। कपाल भांति की बात बहुत इंपॉर्टेंट है, श्वास को रोकना, सहज रोकें, प्रेशर ना दें लंग्स के ऊपर, और जितनी देर तक रोक सके आसानी से रोकने की कोशिश करें। जब नहीं रोकी जाए बिल्कुल धीरे से श्वास को छोड़ देंगे। वेरी गुड, इसका एक राउंड और करेंगे, लास्ट राउंड। श्वास पहले अंदर खींचेंगे, इनहेल डीपली एंड बिगिन। One, two, exhale completely, पूरी सांस बाहर। Now inhale up to your comfort level and hold your breath comfortably। सांसों को रोकिए। बहुत आसान सी दिखने वाली ये सांसों की क्रियाएं आपको बिल्कुल स्वस्थ रख सकती हैं। तो आप इसके ऊपर बिल्कुल सहज तरीके से कंट्रोल रखें, धीरे से अपनी सांस को छोड़ दें। अब हम अपनी जगह पे लेट जाएंगे, थक गए होंगे, दोनों टांगों को आगे खोलिए एंड रोल बैक ऑन योर मैट। पीछे को लेट जाइए सवासन। आपको बता दूं कि इस दुनिया में 84 लाख आसन हैं जो ऋषि मुनियों ने अलग अलग जानवरों से सीखे हैं। वो उन जानवरों की रिलैक्सेशन पोजीशंस है। ऋषि मुनियों ने बड़े आराम से जानवरों को नोट किया कि वो कैसे रिलैक्स करते हैं प्रतिदिन, तो उन्होंने उसको नोट करके आसन बना दिया। लेकिन जब उन्होंने मनुष्य को स्टडी किया कि मनुष्य कब रिलैक्स करता है, तो उन्होंने देखा वो कभी रिलैक्स नहीं करता। तो ये जो सब आसन है ये उनके मरने के बाद सीखा, इंसान हमेशा मरने के बाद ही रिलैक्स करता है। तो इस आसन में बिल्कुल टांगे हल्की सी खुली हुई, हथेलियां आसमान की तरफ और शरीर एकदम ढीला, कोई मूवमेंट नहीं होनी चाहिए शरीर में। इसको निकाल दूं फिर अभी एसडीआई। अगर आप 20 से 30 सेकंड इस आसन में लेट जाएंगे तो आपकी थकान दूर हो जाएगी, लेकिन इसकी शर्त यही है कि लूज योर बॉडी कंप्लीटली। वेरी गुड, अब हम बिल्कुल आराम से करेंगे, सुने पहले मेरी बात को। हम बाल मचलन करेंगे, इसको योगिक साइकिलिंग भी बोलते हैं, और बिल्कुल कम, हमने सिर्फ 2 मिनट के लिए इसको करना है। दोनों पैरों को साइकिल की तरह चलाएंगे, जितनी धीरे हो सकता है, साइकिल जैसे चलती है साइकिल चलाइए दोनों पैरों से, स्लो एकदम। गर्दन ऊपर उठाएंगे, छाती ऊपर, और दोनों हाथों को चलाइए साथ साथ जैसे छोटा बच्चा करता है। गर्दन को नीचे नहीं रखना, सर्वाइकल जिसको है उससे बिल्कुल ठीक हो जाएगा, और कभी जिंदगी में सर्वाइकल नहीं होगा। ये बहुत ही आसान सा दिखने वाला साधन, गर्दन ऊपर रखें और बिल्कुल धीरे धीरे चलाएं। हमने 2 मिनट के लिए इसको करना है। अगर आपसे 2 मिनट ना किया जाए तो आप रुक सकते हो, और करेंगे तो उसका कोई नुकसान नहीं है, इसको बढ़ा सकते हैं हम। लेकिन 2 मिनट करने का मतलब है कि आपने अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को बिल्कुल एक प्रॉपर एक्सरसाइज दी। डाइजेस्टिव सिस्टम आपका इससे स्ट्रॉन्ग होगा, छोटे बच्चे की तरह शरीर में फुर्ती आएगी, स्टेमिना बिल्डअप होगा और आप बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाएंगे। आप कुछ भी ना करें, सिर्फ बाल मचलन और आप भस्त्रिका करते रहें 5 से 7 मिनट रोज,
आपको कोई बीमारी नहीं हो सकती। एक मिनट हो चुका है, एक मिनट और करने की कोशिश करें। ये बहुत ही, इसको यौवन तत्व का साधन बोलते हैं। ये करने से आपका शरीर बुढ़ापे से दूर रहेगा। आपका शरीर 90 साल की उम्र में भी 16 साल के बच्चे की तरह एकदम तंदुरुस्त रहेगा। गर्दन को ऊपर रखें, 40 सेकंड और करने की कोशिश करें। बहुत ही बढ़िया तरीके से आप लोग योगा कर रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि सबके जीन्स में योगा है, तो आप लोग इसको बहुत बढ़िया कर रहे हैं। 20 सेकंड और करने की कोशिश करें, और जब आप थक जाएंगे तो शवासन में लेट जाना है। बस गर्दन ऊपर उठाएं, हेड अप, चेस्ट अप। 10 सेकंड्स मोर एंड अंडरस्टैंड दैट योगा इज टोटल डिसिप्लिन। इफ यू डोंट फॉलो द डिसिप्लिन यू कैन नॉट डू योगा। यू कैन डू जस्ट फिजिकल एक्सरसाइज। वेरी गुड, रिलैक्स ऑन योर मैट, लूज योर बॉडी कंप्लीटली। लेट जाइए दोबारा शवासन में, मरे हुए व्यक्ति की तरह। याद रहे, योगा में थकना नहीं है। इसलिए हर आसन के बाद शवासन करवाया जाता है। थकना एक्सरसाइज में होता है लोगों को, योगा में थकान नहीं होनी चाहिए। वेरी गुड। अब हम अगला अभ्यास करेंगे। दोनों हाथों को साइड में खोल दीजिए, पूरा जितना खोल सकते हो, 180 डिग्री। बेंड योर बोथ नीज, दोनों पैरों को बेंड करिए। अब नीज को राइट तरफ ले जाना है और हेड को लेफ्ट तरफ। नीज राइट, हेड लेफ्ट, नीज लेफ्ट, हेड राइट, दोनों तरफ चलाइए। इसका नाम है नाभि चालन। और एक साइड रुक जाते हैं तो इसको मरकट आसन बोलते हैं, लेकिन मूव करने पे इसका नाम है नाभि चालन। दोनों तरफ चलाइए। ये ऐसी मूवमेंट है जो घोड़े से सीखी हुई है ऋषि मुनियों ने। आपने देखा होगा घोड़ा पूरा दिन काम करके जैसे आता है, मालिक उसको खोलता है, वो जमीन पे लेट के ऐसे करता है, और उसकी स्पाइन इतनी फ्लेक्सिबल और स्ट्रांग है कि पूरी की पूरी दुनिया की मशीनें हॉर्स पावर में नापी जाती हैं। और आपको मैं बताना चाहता हूं कि घोड़ा जो शाकाहारी जानवर है, बड़े बड़े जानवर मांसाहारी होते हैं और उनके अंदर इतनी ताकत नहीं होती जितनी घोड़े में होती है। उसका सबसे बड़ा कारण है उसकी स्पाइन, उसकी पीठ। अगर आपकी स्पाइन बूढ़ी होगी तो आप चाहे 15 साल के आप बूढ़े होगे, समझो। नीज राइट, हेड लेफ्ट, नीज लेफ्ट, हेड राइट, कीप डूइंग। और जो भी छोटे बच्चे हैं अगर इसको करेंगे, आपकी हाइट कम से कम 6 फुट जाएगी, क्योंकि रीढ़ की हड्डी की गांठें खुलेंगी तो आपकी हाइट बढ़ेगी। बहुत सारी माताएं जिनकी स्पाइन में प्रॉब्लम रहती है, लोअर बैक में, उसको करें, क्योंकि हमारा स्लीपिंग पोस्चर ठीक नहीं है, हमारे गद्दे बहुत मुलायम है, हमारी कुर्सियां बहुत ही फ्लेक्सिबल है, जिससे आपकी पीठ की जो हालत है वो खराब हो चुकी है। इसको सही करें। रीज राइट, हेड लेफ्ट, कीप डूइंग, कंटिन्यू चलाइए। चेहरा एकदम शांत, नाभि से बिल्कुल सेंटर में रहती है। बहुत सारे लोगों की धरण दिख जाती है जिससे उनको समस्याएं आती है। सेंटर में रहेगी, हाइट बच्चों की बढ़ेगी इससे। जिनके माँ बाप 5.5 फुट के भी हैं, वो अपने बच्चों को रोज कराएं 2 मिनट। 20 से 21 साल तक हाइट बढ़ाई जा सकती है, और कुछ केसेस में 23-24 साल तक भी बढ़िया हाइट। तो आप इसको रोज 2 से 3 मिनट करने की कोशिश करें। और ये एक ऐसा साधन है जो आपको बिल्कुल जवान रखेगा, फिट रखेगा एकदम। यौवन तत्व का यह साधन है नाभि चालन। जब आप थक जाए, ऐसे इसमें थकने वाली कोई बात नहीं है। जैसे हम कपड़े को निचोड़ते हैं, एक हाथ एक तरफ जाता है, दूसरा दूसरी तरफ, तो उसको दोनों तरफ चलाएं। इससे क्या होगा, आपकी रीढ़ की हड्डी की जितनी समस्याएं हैं, जितनी वायु उसके अंदर स्टोर होगी वो बाहर आ जाएगी। ये आराम से आपको करने की चीजें। कुछ लोग सोचते हैं योगा बहुत ही डिफिकल्ट करने का तरीका है, कि आसन हम बहुत मुश्किल मुश्किल करेंगे तो हम योगा कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। स्थिरम सुखम आसनम, द पोस्चर विच इज स्टडी एंड कंफर्टेबल इज योगासन। जितना आसान हो सके। वेरी गुड, रिलैक्स अगेन इन टू शवासन। शवासन में लेट जाइए, चेहरा शांत, आंखें बंद। ध्यान रहे, जब भी हम शवासन में लेटेंगे तो हमारे चेहरे में बिल्कुल तनाव ना हो।
बिल्कुल मुस्कुराते हुए लेट जाइए। वेरी गुड। अब हम अगला जो साधन है बहुत ही अच्छा आसन है, उसका नाम है उत्तान पादासन। तो दोनों पैरों को मिलाइए। Bring your both feet together. Place your palms beside your body. दोनों हथेलियों को नीचे की तरफ रखते हुए हाथों को पास लाइए। Palms facing down. Inhale. Lift your both legs few inches above the mat. दोनों टांगों को जमीन से आधा फुट ऊपर उठा दीजिए। श्वास को नहीं रोकना, पैरों को रोकें और श्वासें लीजिए। आधा फुट मैक्सिमम 10 इंच। रोकना इसको नाभि के लिए, पाचन तंत्र के लिए बहुत अच्छा है। होल्ड करें अगले 10 काउंट तक। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ड्रॉ। नीचे रख दीजिए। दोबारा एक बार फिर से करेंगे इसको। बहुत ही इंपॉर्टेंट पोज है ये। दोनों पैरों को जमीन से एक फुट ऊपर उठा दीजिए, लगभग मैक्सिमम एक फुट। बहुत सारे लोग ज्यादा उठा देते हैं। और होल्ड करिए इसको। चेहरा एकदम शांत, घुटने सीधे, मुस्कुराते हुए, किसी तरह का कोई तनाव चेहरे पे ना हो। और बहुत ही अच्छा ये साधन है उत्तान पादासन। 10 तक रुकेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Drop. Very good. Last time, once more. दोनों पैरों को जमीन से उठा दीजिए, लगभग एक फुट ऊपर, और होल्ड करिए। आपको मैं बता दूं, जिसका पाचन तंत्र सुधर गया उसको बीमारी हो ही नहीं सकती। होल्ड करना है, गर्दन नहीं उठानी। इसको बिल्कुल शांति से, चेहरा शांत रखना है, श्वासों को नहीं रोकना। बहुत सारे लोग श्वास रोक लेते हैं इसमें। ध्यान दें, किसी भी योगा पोस्चर में श्वास नहीं रोकी जाती। होल्ड करें अगले 10 काउंट के लिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ड्रॉप। वेरी गुड। अब हम थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे, उसके बाद अगला आसन करेंगे। अगला आसन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों पैरों को जमीन से एक फुट ऊपर उठाइए, गर्दन ऊपर, छाती ऊपर, और दोनों हाथों को घुटनों के सामने लाइए। बोथ लेग्स अप, हेड अप, चेस्ट अप, बोथ पाम्स पैरेलल टू द नीज। सामने लाइए, रोकिए। नाव जैसे होके नौका आसन। बहुत आसान सा दिखने वाला ये आसन है, लेकिन आपको कई बीमारियों से दूर कर देगा। जिनका पेट बड़ा हुआ है उनके लिए बहुत अच्छा है ये। और जो कमजोर है वो करेंगे तो उनकी पाचन शक्ति बढ़ेगी और आपका जो शरीर है वो बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा। रुके इसमें, हार नहीं माननी, श्वासों को नहीं रोकना। रिलैक्स अगेन। एक बार फिर से लास्ट टाइम करेंगे। दोनों पैरों को ऊपर उठाइए, गर्दन ऊपर, छाती ऊपर, दोनों हाथ घुटनों के सामने, और श्वास लीजिए। कुछ लोग इसको देखते हैं कि इससे क्या होने वाला है, बड़ा आसान सा दिखने वाला साधन है, लेकिन आपको बता दूं ये इतना आसान नहीं है करना। इसको करने से आपकी पेट की समस्याएं दूर हो जाएंगी। गर्म पानी पी के करिए, कब्ज की समस्या जड़ से खत्म। वेरी गुड। रिलैक्स अगेन। एकदम लूज छोड़ दीजिए बॉडी को। फिर से 84 लाख आसनों में हम सिर्फ उन आसनों को कर रहे हैं जो आसन आपके लिए, सबके लिए बने हुए हैं, किसी भी बीमारी में किए जा सकते हैं। जब आप रिलैक्स करें तो भूल जाइए दुनिया को। Try to give this time to yourself. Forget the outer world. Very good. Now sit up. बैठ जाइए।
और बहुत ही इम्पोर्टेंट साधन हम नेक्स्ट करेंगे, ये भी यौवन तत्व का साधन है। दोनों टांगों को खोल दीजिए सामने और पैरों को खोल दीजिए, स्ट्रेच योर लेग्स अपार्ट। ये नाड़ी चालन है। हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं जो कि दिखती नहीं है, इसलिए उसको मेडिकल साइंस नहीं मानती, लेकिन है। ये हमारे ऋषि मुनि मानते हैं, अध्यात्म मानते हैं और हम मानते हैं। तो नाड़ियों को खोलने के लिए नाड़ी चालन, जो व्यक्ति कहता है मैं बिल्कुल फिट हूं, उसकी भी 2,500 नाड़ियां ब्लॉक होती है। तो नाड़ियां कहां से शुरू होती है? मूलाधार चक्र से, उनका बेस ऑफ द स्पाइन। तो स्ट्रेच योर लेग्स अपार्ट, बोथ हैंड्स अप, दोनों हाथों को ऊपर ले जाइए, राइट हैंड से लेफ्ट टो को टच करिए और दूसरे हाथ को पीठ पे ले जाइए, फिर ऊपर आइए और लेफ्ट से राइट को टच करिए। कीप ब्रीदिंग, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप। श्वास छोड़ते हुए नीचे जाना है, लेते हुए ऊपर, घुटने सीधे। कोशिश करें कि अपने पंजे को टच करें, नहीं हो सकता है तो जहां तक हाथ जाता है। ध्यान रहे, योगा में कॉम्पिटिशन नहीं करना। अपने पड़ोसी को मत देखिए कि उसने तो मेरे से आगे निकल गया। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि उसने अपना पंजा टच कर लिया, मैं भी करूं, पर वो परमानेंट योगा छोड़ देता है। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हैं नीचे, लेते हुए ऊपर। जैसे आप श्वासों को बंद कर देते हैं वो एक्सरसाइज बन जाती है। बट योगा का ये जो योगन तत्व का साधन है, आपकी स्पाइन के अंदर मूवमेंट होगी, जिसको पीठ में दर्द रहता है लोअर बैक में, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जल्दी ना करें, जबरदस्ती ना करें, मुस्कुराते हुए। आप अगर यहाँ पे आए हैं, योगा आपको आता है लेकिन उसको सही करना बहुत जरूरी है। एक्सेल डाउन, इनहेल कम, कीप डूइंग, रुकना नहीं है, मुस्कुराना है, अपनी लिमिट को क्रॉस नहीं करना। हर व्यक्ति की एक शारीरिक क्षमता है, उस क्षमता से आगे ना जाए। और ध्यान रहे कि आप अपने शरीर को ढंग से सुने, वो क्या कह रहा है। वेरी गुड, दोनों हाथ ऊपर, बोथ हैंड्स अप, नाउ प्लेस योर हैंड्स बिहाइंड योर बॉडी, दोनों हाथों को पीछे रखिए एंड लिफ्ट योर हिप्स अप, और पीछे अपने सिर को ड्रॉप कर दीजिए। ये इसका काउंटर पोज है, रुकना है यहाँ पे। जब भी कोई हम चीज करें उसका काउंटर पोज बहुत जरूरी है, फॉरवर्ड बेंडिंग और बैक बेंडिंग में। वेरी गुड, एंड डाउन, दोनों पैरों को मिलाइए। अब हम करेंगे नेक्स्ट पोस्चर, जिसको लोअर बैक में पेन है वो इसको कोशिश करें सहज करें, और अगर अनबियरेबल पेन है तो इसको ना करें। सिटिंग फॉरवर्ड बेंड, दी पश्चिमोत्तान आसन। तो दोनों हाथों को ऊपर ले जाइए, पंजों को अपनी तरफ खींचिए, पंजे अपनी तरफ, एरिया बाहर की तरफ, स्ट्रेच करिए ऊपर की तरफ, देखिए आसमान की तरफ, राइट हैंड को ऊपर खींचिए पूरा, राइट, देन लेफ्ट, स्ट्रेच योर लेफ्ट, देन स्ट्रेच फ्रॉम द सेंटर, पूरा स्ट्रेच करिए, एक्सेल गो डाउन एंड होल्ड योर टो और वेयर एवर यू रीच। पंजे की तरफ पहुंचने की कोशिश करें, पंजे पे ना पहुंचे तो टखने पे पहुंचे, टखने पे भी ना पहुंचे तो अपने घुटने से थोड़ा आगे जाने की कोशिश करें और रुके। ध्यान रहे, स्थिरम सुखम आसनम, द पोस्चर विच इज स्टेडी, नो मूवमेंट एंड कंफर्टेबल, सहज। जहां जबरदस्ती करी वो योगा का पोस्चर नहीं बचा। तो आपका चेहरा शांत होना चाहिए, अपनी लिमिट्स को समझे। बहुत सारे व्यक्ति सोचते हैं कि हम एक ही दिन में योगी बन जाएं, तो ऐसा नहीं होने वाला। धीरे धीरे क्षमता को बढ़ाएं, रुकिए। और ये बहुत ही अच्छा आसन है कि सिद्ध संहिता को अगर हम पढ़ेंगे उसमें चार ही आसन बताए गए हैं, जिनमें ये मेन आसन है, चार में। तो रुके यहां पे और ब्रीदिंग करें, हर श्वास के साथ आगे जाने की कोशिश करें। ट्राई टू गो डाउन विद ईच एक्सलेशन एंड ट्राई टू स्ट्रेट योर स्पाइन विद ईच इनहेलेशन। पीठ को सीधा रखने की कोशिश करें और आगे जाएं। Very good. Stretch your arms forward. Inhale. Both hands up. दोनों हाथ ऊपर। अब दोनों हाथों को पीछे रखिए। इसका काउंटर पोज है पूर्वोत्तान। Lift your both hips up. Drop your head down. Very good. इसका काउंटर पोज है
ये जरूर करना है, नहीं तो आपको कभी ना कभी पीक में समस्या आने लग जाएगी। वेरी गुड, एक्सेल डाउन। अब हम जो नेक्स्ट साधन करने वाले हैं बहुत ही अच्छा, और जो आपके लिए बहुत सारे लोगों ने आपने देखा होगा कि हम अक्सर चाहे जवान बच्चे हो बाथरूम में स्लिप होते हैं और आपकी कूल्हे की हड्डी टूट जाती है क्योंकि हम उसको कभी एक्सरसाइज ही नहीं देते। तो ये जो नेक्स्ट हम साधन करने वाले हैं ये योगन तत्व का साधन है, इसको बहुत तरीके से करें। दोनों टांगों को आगे रखिए जैसे रखी हुई है और दोनों हाथों को साइड में रखिए ऐसे पीठ सीधी, ये हाथ पीछे नहीं ले जाने आगे नहीं लाने, स्ट्रेट। और जो दोनों आपकी हथेलियां हैं ये आपकी बराबर रहेंगी, आपकी बटक बोन के पैरेलल रहेंगी और पीठ सीधी, दोनों पैरों को सामने, पंजों को अपनी तरफ खींचिए, चेहरा एकदम शांत। इनहेल लिफ्ट योर राइट लेग अप, राइट लेग को ऊपर उठाइए, पीठ नहीं हिलानी, राइट लेग सिर्फ 10 बार ऊपर नीचे करेंगे इसको, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब इसको चलाना साइकिल की तरह इसी टांग को, एक टांग को चलाइए 1, 10 टाइम, 2, 3, पीठ सीधी रखिए, 4, 5, मुस्कुराइए, 6, 7, 8, 9, 10, इसी टांग को रिवर्स चलाइए 10 बार स्टार्ट, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। कितना आसान है ये, लेकिन हमें कितनी दिक्कत होती है करने में क्योंकि हमने कभी एक्सरसाइज दी नहीं। अब दूसरी टांग को ऊपर उठाएंगे और बिल्कुल पीठ सीधी, हाथ सीधे, लेफ्ट लेग अप, 10 टाइम्स अप एंड डाउन स्टार्ट, 1, 2, 3, 4, मुस्कुराइए, 5, 6, 7, 8, 9, 10, साइकिल की तरह चलाइए इसको 10 टाइम्स स्टार्ट, 1, 2, 3, 4, स्माइलिंग फेसेस मस्ट बी दिस, 7, 6, 8, 9, 10, रिवर्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, वेरी गुड। ये बहुत आसान सी दिखने वाली चीजें हैं और आपको बिल्कुल स्वस्थ करने के लिए जरूरी है। अब हम आप पहले बैठे रहेंगे देखेंगे, अब हम कहेंगे घुटनों के लिए, बहुत सारे दिल्ली का पानी ऐसा नॉर्थ इंडिया का कि घुटनों में प्रॉब्लम आएगी और घुटनों में प्रॉब्लम आएगी तो उसका ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं है। दुनिया के किसी भी डॉक्टर से करवा लीजिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी जी ने ऑपरेशन कराया था दुनिया के सबसे अच्छे डॉक्टर से, वो भी उसके बाद ढंग से नहीं चल पाए। तो घुटनों में जिसको भी समस्या है, चाहे आपके घुटनों की ग्रीस खत्म हो रखी हो, बिल्कुल ठीक हो जाएगी 2 से 3 दिन में, 5वां दिन नहीं लगने वाला। और जिनको समस्या है हाथ ऊपर करें एक बार, घुटने जिनके खराब हैं, आप डरे ना, और नहीं करोगे तो मेरे पापा भी नहीं करते, उनको भी घुटनों में समस्या है, तो करने से होगा ठीक। मैं आपको हमेशा बताऊं, जब तक योगा आप खुद नहीं करेंगे आप ठीक नहीं हो सकते। तो खड़े हो जाएंगे अपनी जगह पे और करना क्या है, दोनों पैरों को मोड़ना है ऐसे जैसे कुर्सी पे बैठे, उत्कट आसन, कुर्सी जैसी होती है, और दोनों हाथों को सामने रख लीजिए। हमने कितनी देर बैठना है, सिर्फ 1 मिनट, चेहरा शांत, और ये बहुत इंपॉर्टेंट आसन है ये, दोनों पैरों को मोड़िए और दोनों हाथों को कमर पे रख लीजिए, और आपका टाइम शुरू हो चुका है, ब्रीदिंग करिए, चेहरा एकदम शांत, घुटनों को खोलना नहीं है, घुटने मिले रहेंगे। और मैं आपको बता दूं, आपकी कितनी भी उम्र है आप इस आसन को कर सकते हैं, और करेंगे तो आपके घुटने ठीक होंगे, और 1 मिनट से पहले नहीं उठना। कई बार हम कांपने लग जाते हैं, डरे ना, आपका खुद का वजन है, किसी और का वजन नहीं रख रखा आपके ऊपर, तो आराम से रुकें, मुस्कुराएं,
और कुर्सी पे बैठने का आनंद ले। आधा मिनट हो चुका है ऑलरेडी। प्लेस योर बोथ हैंड्स ऑन योर वेस्ट एरिया एंड कीप योर स्पाइन स्ट्रेट, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू बेंड योर स्पाइन इट्स नॉट गुड, स्पाइन स्ट्रेट। And mentally feel that the blood flow is towards the knees. And it's the complete exercise for your thighs. Gym mein jaake zarurat nahi kai kai ghante lift karne ki vajan ko. 4 second ho rahe hain. Inhale up. Dono haathon ko samne laiye dobara. Bend your knees. Kursi pe baith jaiye dobara aur dono haathon ko kamar pe rakhiye. Ek minute aur. Iske 3 set karne. Baithi sabhi muskuraiye. कुर्सी को कोई छोड़ना नहीं चाहता। हमारे देश के नेता एक बार जीते हैं दोबारा जाते हैं जीतने। तो ये तो कुर्सी ऐसी चीज है जिसका सबको आनंद लेना चाहिए, दो बार तीन बार। तो रुके इसमें, ये आपको बता दूं, टांगों के लिए कोई और एक्सरसाइज करने की जरूरत ही नहीं है आपको। और मुस्कुराए, घुटनों की ग्रीस कहीं आपकी खत्म नहीं होने वाली, वापिस आ जाएगी। जहां पे आपका ब्लड फ्लो खत्म हुआ वहां पे दर्द शुरू। योगा क्या काम करता है, ब्लड फ्लो बढ़ा देता है बस। और लोग सोचते हैं कि चमत्कार हो गया, चमत्कार कुछ नहीं हुआ, आपने सिर्फ ब्लड फ्लो बढ़ाया वहां पे। रुकिए 10 सेकंड हो रहे हैं, मैं टाइमर को देख के कर रहा हूं। ब्रीथ, ये बहुत ही जरूरी है कि आप कम से कम एक मिनट का रुके ऊपर। लास्ट सेट करेंगे इसका, दोनों हाथ सामने, घुटनों को मोड़िए। और अभी आपको पता चलेगा आज ही घुटनों का। दोनों हाथों को कमर पे रखिए, टाइमिंग शुरू हो चुकी है आपकी। कमर पे रख लीजिए दोनों हाथ, बोथ हैंड्स ऑन द वेस्ट रीजन, बेंड योर नीज नाइसली एंड ब्रीथ। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू डोंट होल्ड योर ब्रेथ। इफ यू होल्ड योर ब्रेथ इट्स नॉट गुड एज पर योगा। You might get the physical benefit, but mentally it's not good. So breathe, keep your spine straight and smile. That is very important. If you don't smile, you are forcing yourself. If you smile, then you are allowing your body. So allow your body to hold the posture. Don't force your body. That is very important. 20 seconds more. Smile. कोई जबरदस्ती यहां किसी को बुलाया तो नहीं गया, मुस्कुराइए। 10 सेकंड और रुकने। वेरी गुड। अब हम एक छोटी सी चीज करेंगे, उसके बाद हम आसन को आज के इसको थोड़ा सा विराम देंगे। एक्सरसाइज और योगा में फर्क समझेंगे, कैसे योगा काम करता है। राइट हैंड को ऊपर लेके जाएंगे और आगे की तरफ को चलाना है धीरे से, स्लो एकदम, 20 टाइम्स। 1, 2, इसका नाम है भुजा चक्र। 3, 4, स्माइल। 5, 6, ओनली 20 टाइम्स। 7, 8, 9 10, 11, this is yoga if you do slow, 13, if you do fast that is exercise, 15, 16, 17, 18, 19, 20, पीछे को चलाइए इसी हाथ को, रिवर्स 10 टाइम्स, इसी हाथ को, स्लो एकदम, 1, 10 बार चलाना है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So this is yoga. Now from the other hand we will do exercise. Thus we can understand what is the difference between yoga and exercise. So we will do faster. Start. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. अब देखिए कुछ एहसास हुआ आपको धीरे करने में और तेज करने में।
योगा कैसे काम करता है समझिए। एक हाथ ऊपर लेके जाइए, सभी लोग एक हाथ ऊपर लेके जाइए। रुकना है, समझना है कि क्या करना है। आप जिस दिन ये टेक्निक समझ गए, आप योगा समझ गए। योगा कोई पीटी नहीं है, उछल कूद और ये कर लिया वो कर लिया, स्लो मूवमेंट। तब आपको पता चलेगा ब्लड फ्लो कैसे काम करता है, कैसे हील करता है। नाउ चेक योर बोथ हैंड्स, दोनों हाथों को देखिए। जो ऊपर हाथ आपको हल्का व्हाइट दिखेगा, नीचे वाला जो रेड दिखेगा, ऐसा दिख रहा है क्योंकि ब्लड फ्लो आपका नीचे की तरफ आता है। तो योगा जो है वो काम करता है ब्लड फ्लो के साथ। नाउ सिट डाउन, बैठ जाइए। अब हम थोड़ा सा मुद्राओं को देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है मुद्राएं, और बहुत सारे लोग इसको नहीं मानते तो आपसे मानने लग जाएंगे। आप ध्यान रहे कि हमारे शरीर में पांच तत्व हैं, हमारे शास्त्र कहते हैं, अध्यात्म कहता है, सब कुछ। तो ये पांच तत्व आपके पांच उंगलियों के अंदर है। तो ध्यान रहे कि सबसे पहले क्या है आपका अंगूठा, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, अग्नि को। आपको सिर्फ अंगूठे को ध्यान रखना है, बाकी अपनी बॉडी के हिसाब से याद रखें, नाम याद रहे ना रहे काम जरूर करेंगे वो। पहली उंगली रिप्रेजेंट करती है वायु को, तो जो भी चीज वायु को अग्नि को ऊपर टच करेगी वो बढ़ेगी, जो नीचे टच करेगी वो घटेगी। ये ध्यान रहेगा आपको, अंगूठा अग्नि है। तो आप लोग वायु की जिसको समस्या है, हमारी तासीर जिसकी वायु की है, अगर उसकी वायु बढ़ी होगी उसको घुटनों में दर्द, जोड़ों में दर्द होने लग जाएगा। गठिया इसका सबसे बिगड़ा हुआ रूप है। तो आप क्या करें उसको दूर करने के लिए, कहां टच करना है वायु को, अग्नि के नीचे। आप इस उंगली को जैसे ऐसे टच करेंगे नीचे, तो आपकी वायु की समस्याएं कम होने लग जाएंगी। ये नीचे रखना और दोनों हाथों से करना है। हाथ आप ऐसे रख सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, पढ़ाई करें, कोई काम करें, आप ऐसे करके देखिए, आपकी वायु की समस्या दूर हो जाएगी। वायु किसी के शरीर में कम है तो इसको ऊपर टच करके, इसको ज्ञान मुद्रा या चिन्ह मुद्रा भी बोलते हैं, बहुत अच्छी है नर्वस सिस्टम के लिए। सेकंड आकाश, जो बीच वाली उंगली आकाश को रिप्रेजेंट करती है, जिसके अंदर आकाश तत्व की ज्यादा मात्रा है। उसको सपने आएंगे उल्टे सीधे, रात को कभी नींद ही पूरी नहीं होगी उसकी, वो सोएगा सपने, ख्यालों में खोया हुआ है। आप बैठे यहां हो, मन आपका कहीं और चल रहा है, इसका मतलब आपके अंदर आकाश तत्व ज्यादा है। देन टच योर मिडल फिंगर ऑन द बेस ऑफ योर थंब, इसको नीचे टच करना है तो आपके अंदर आकाश तत्व बैलेंस हो जाएगा। किसी के अंदर आकाश तत्व की कमी है तो उसको क्या होगा, याददाश्त बहुत कमजोर होगी, आप पढ़ते रहते याद ही नहीं होता बच्चों को, कुछ नहीं करना। इसको उंगली को यहां टच करके पढ़ के देखिए, आपको याद होने लग जाएगा। सेकंड लास्ट उंगली जो है ये रिप्रेजेंट करती है आपकी धरती को, जिसके अंदर पृथ्वी तत्व बढ़ा हुआ है वो ओवरवेट मिलेगा आपको हमेशा। वो बंदा कहता है मैं तो ये एक ही रोटी खाता हूं पूरे दिन में, मेरा वजन पता नहीं क्यों नहीं कंट्रोल में आता। तो आप इसको कहां टच करें, नीचे। कुछ नहीं करना आपने, पृथ्वी तत्व को जैसे ही नीचे टच करोगे पृथ्वी तत्व आपके अंदर कम होने लग जाएगा। और कोई बंदा कहता है जी हमने तो अपने बच्चों को बादाम के घोल खिला लिए, काजू बादाम पता नहीं क्या क्या खिला लिए, भैंस का दूध लगा रखा है, फिर भी मोटा नहीं होता, इसका मतलब इसके अंदर पृथ्वी तत्व की कमी है। तो इसको कहां टच करें, ऊपर। और अगला जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वरुण मुद्रा, इससे आपको पूरा विश्वास हो जाएगा कि ये कैसे काम करती है। वरुण मतलब पानी, आपके अंदर आपको भी प्यास लगी हो मान लो और आपके पास पानी नहीं है। बहुत सारे दिल्ली के लोग पानी टूटी का पी लेते हैं जिससे उनको पीलिया पता नहीं क्या क्या बीमारियां हो जाती हैं। आप जैसे ही इस उंगली को ऊपर टच करेंगे आपके शरीर में अपने आप ही पानी बढ़ने लग जाएगा, आपकी प्यास कम होने लग जाएगी। और अभी आप यहां बैठे हो, आपको यूरिन पास करने के लिए जगह नहीं है, ये मुद्रा आप यूज ना करें तो अच्छा है, लेकिन चेक करने के लिए। बहुत सारे कहते हैं आई एम द स्टूडेंट ऑफ साइंस सो आई डोंट ट्रस्ट इन योगा फॉर दीज मुद्राज, सो इफ यू टच योर लास्ट फिंगर ऑन द बेस ऑफ योर थंब तो आपका जो यूरिन प्रेशर है वो कम हो जाएगा अपने आप ही। और ये सिर्फ अपने आप को विश्वास दिलाने के लिए। बहुत सारे कहते हैं टच करने से मैं कैसे ठीक हो सकता हूं, तो वो ऐसे ही चले जाते हैं इस दुनिया से। एक्यूप्रेशर पूरी दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट थेरेपी बन चुकी है, तो ये करें
और अगली जो मुद्रा है जो स्टूडेंट्स के लिए और किसी को पैरालाइज भी हो रखा वो ठीक हो सकता है, उसको बोलते हैं शंख मुद्रा। तो ये आप सीखें ढंग से, अपने अंगूठे को दबाएं बिल्कुल सेंटर में और ये उंगली जो है अंगूठे पे टच होगी ऐसे, इसको बोलते हैं शंख मुद्रा। ये आपके नर्वस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती है, आपके नर्वस सिस्टम वीक, आप ये करिए और आपके आस पड़ोस में किसी को पैरालाइज भी हो रखा आप उसको करवाइए, फिर देखिए कैसे ठीक होता है। राइट साइड करेंगे उसका लेफ्ट, दोनों तरफ करना है, राइट साइड का हिस्सा लेफ्ट बॉडी को ऑपरेट करता है, लेफ्ट राइट को, ये ध्यान रहेगी चीजें, वेरी गुड। तो अब हम सब लोग जोर जोर से हंसने के लिए करेंगे। हंसना क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको भी बता दूं, इस दुनिया में 84 लाख योनियां मानी जाती है और 84 लाख योनियों में सारी जानवर रो सकते हैं, हंस नहीं सकता कोई जानवर। आपने किसी गाय को, कुत्ते को, बिल्ली को, गधे को हंसते हुए नहीं देखा होगा, सिर्फ एक इंसान है जो हंस सकता है। और हम लोग हंसते कब है, अब कब हंसे लास्ट टाइम, आपको ध्यान ही नहीं होगा। और आज की डेट में कोई हंस दे तो पड़ोसी देख ले कहता जी हंस रहा कुछ ना कुछ गड़बड़ है, मतलब हमारी हंसी जो कि सिर्फ मनुष्य को मिली हुई है और हम हंसते नहीं है, और हंसते हैं तो दुनिया आपको उल्टी नजरों से देखती है। तो हंसना कितना जरूरी है ये आपको समझना चाहिए। आज आप लोग खुल के हंसेंगे इस पंजाबी बाग के इस ग्राउंड के अंदर, आपकी हंसी ऐसी होनी चाहिए कि पूरा बेस्ट पंजाबी बाग, ईस्ट पंजाबी बाग इसको सुने। तो बिना किसी कंजूसी के आप लोग हंसेंगे, उसके बाद हम रिलैक्स करेंगे। तो जोर जोर से सभी ने हंसना है। आप लोग ऐसे ही सदा मुस्कुराते रहें, अपनी जगह पे लेट जाएंगे योगा का सबसे, और जितने वॉलंटियर्स हैं वो भी अपनी जगह पे बैठ जाएंगे प्लीज, या लेट जाएंगे आप लोग भी। बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है रिलैक्सेशन, अगर आपने रिलैक्सेशन नहीं सीखी तो आपको योग सीखने का कोई फायदा नहीं है। सभी अपनी अपनी जगह पे लेट जाएंगे, रोल बैक ऑन योर मैट, मेंटली गेट रेडी फॉर दी रिलैक्सेशन। चेहरा एकदम शांत, आंखें बंद, अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। बिल्कुल धीरे से अपने शरीर को चेक करेंगे मन की आंखों से कि शरीर का कोई भी हिस्सा तनाव में ना हो। आंखों को बंद रखना और मेरी आवाज को सुनना, ऐसा समझना कि मेरी आवाज आपकी आवाज बन चुकी है, जो मैं बोल रहा हूं वो समझे कि आप बोल रहे हैं। बोलना कुछ नहीं है, शरीर को हिलाना नहीं है, और धीरे धीरे अपने एक एक हिस्से को चेक करना है। मन की आंखों से अपने पंजों को आराम दें। मैं पूरा दिन इन पंजों पे खड़ा रहता हूं और मैंने आज तक इनको आराम नहीं दिया, वक्त आ गया है कि मैं अपने पंजों को विराम दूंगा। थोड़ा सा ऊपर आऊंगा मैं, मेरी एड़ियां, जो एड़ियां मुझे सीधा खड़ा होने में पूरा साथ निभाती हैं, हमेशा तनाव में रहती हैं, आज मैं इन एड़ियों को बिल्कुल आरामदायक स्थिति में ले आऊंगा। मेरे पैर की पिंडलियां, ये पिंडलियां हमेशा तनाव में रहती हैं। मैं सोऊं, उठूं, जागूं, मैं मन की आंखों से आज इनको चेक कर रहा हूं और इनको बिल्कुल रिलैक्स कर रहा हूं। मेरे घुटने
जो मुझे हमेशा दौड़ने में चलने में मदद करते हैं, और मैंने आज तक इनका ध्यान ही नहीं दिया। ये दोनों घुटने मेरा साथ निभा रहे हैं, लेकिन मैं इनको कभी रिलैक्स नहीं करता। आई एम फीलिंग दैट माई बोथ नीज आर रिलैक्स, माई हिप्स बटक्स एंड थाइस, माई हिप्स बटक्स एंड थाइस आर रिलैक्स। I am relaxing my spine, lower back, middle back, upper back. My back is relaxed. I am relaxing my fingers, palms, back of the palms, wrists, forearms, elbows and upper arms. My arms are relaxed. I am relaxing my abdomen, ribs, clavicle bone and chest. My frontal part of the body is completely relaxed. I am relaxing my crown of the head, forehead, eyes, ears, facial muscles, nose, throat, heart, lungs, liver, pancreas, bladder, kidneys, small and large intestines, skull, mind, brain. My body is completely relaxed. Relax. 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 Slowly come back to your body. Keep closing your eyes. आँखों को बंद रखना और एक साइड करवट ले लीजिए. Turn your body to one side. Keep closing your eyes. एक तरफ करवट लेते हुए अपनी जगह पे बैठ जाइए और आँखें बंद कर लीजिए. सभी तीन बार ओम का उच्चारण करेंगे. चेहरा एकदम शांत. Inhale. आपका सबका ओम का गुंजन सुनाई देना चाहिए सबको बिल्कुल शांति से. Oh.
वृद्धिं पुष्टिवर्धनं पूर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्योर्मोक्ष्यमामृता ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं पूर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्योर्मोक्ष्यमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं पूर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्योर्मोक्ष्यमामृतात् सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्भवेत् अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्तिः 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 ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे ॐ शान्तिः 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 हरि ओम् तत्सत् ॐ नमः शिवाय गुड मॉर्निंग हाउ आर यू सो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद आप बैठे रहे अभी आगे का प्रोग्राम थोड़ा सा और है और आपको उसके बाद प्रसाद का भी वितरण होगा और जो भी आपने सीखा इसको प्रतिदिन अपने जीवन का हिस्सा बनाएं और मानव उत्थान सेवा समिति के इस प्रयास को सफल बनाएं मेरी तरफ से अगर ऐसा कोई शब्द जो आपको बुरा लगा हो ऐसी मुझसे कोई गलती हो गई हो जो आपको अच्छी ना लगी हो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ उसके लिए मुझे क्षमा करिएगा धन्यवाद